अपने तो सीधा सीधा यहाँ पर जो अवनी थी ना वो पूरी तरह से बिना किसी हिचकिचाहट के उसको उत्तर दे देती है। तो वही दूसरी तरफ विपिन अपना सर खुजलाने लगता है क्योंकि वास्तव में उसने ऐसा कुछ सोचा तो था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह प्राचीन संत आर्य और यहाँ पर अन्य को भी अपना कोई स्टूडेंट बना सकता था, लेकिन जो उनके बीच में पहले हुआ था ना उसके साथ में उसको नहीं लगता था कि यहाँ पर वो दोनों उसके किसी तरह से यहाँ पर डिसाइपल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विपिन ने सोचा कि शायद अवनी ऐसा कुछ कर सकती है क्योंकि अवनी यहाँ पर अभी किसी को अपना टीचर नहीं बनाए हुए थी। लेकिन यहाँ पर अब विपिन भी ये जान चुका था कि अवनी ने क्यों मना किया था। अवनी ने मना इसलिए किया था कि यहाँ पर उसके पास में मास्टर सेक की विरासत पड़ी हुई थी और वो मास्टर सेक की एक वंशज थी, तो उसके साथ में उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सम्मान थोड़ा बहुत घमंड तो होना चाहिए ना कि हाँ वास्तव में मैं ऐसी हूँ। तो इसी वजह से उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी वजह से चाहे से कुछ भी हो, चाहे से उसके सामने एक सुप्रीम मास्टर टीचर भी क्यों ना आ जाए, वह यहाँ पर किसी को भी अपना एक टीचर तो बना ही नहीं सकती थी। विपिन कहता है अरे अरे मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट बन जाइए, मैं आपको केवल ऐसे कह रहा हूँ कि आप मेरे एक नॉर्मल स्टूडेंट बनिए। अगर आप मेरे नॉर्मल स्टूडेंट बनते हैं ना तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ रखी है ना उससे छुटकारा पाने का केवल यही एक समय है। तो वही दूसरी तरफ अवनी अपना मुंह सुलझा के कहती है क्या यहाँ पर मैं आपका स्टूडेंट आखिरकार क्यों बनूं? यहाँ पर आप कोई मेरे को एक कारण बताएंगे कि आपका स्टूडेंट बनूं? और इसके अलावा इस प्रॉब्लम से मेरा स्टूडेंट बनने का क्या यहाँ पर कोई हल हो जाएगा? यहाँ पर अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा वास्तव में भी क्या सोच रहा था, आखिरकार ये चाहता क्या था उसके साथ में। तो वहाँ पर अवनी के दिमाग के अंदर अलग चीजें चल रही थी। अगर यहाँ पर उसने उसके सारे कमालों को नहीं देखा होता ना तो अब तक तो यहाँ पर वो उसको दे तमाचे बाहर फेंक देती और कहती कि तेरी वजह से ऐसा हुआ गधे, अब भाग जाए यहाँ से। लेकिन क्या करें, आखिरकार अब उसके सामने एक सुप्रीम मास्टर टीचर और बहुत ज्यादा हाई रैंकर भी खड़ा हुआ था। तो वही विपिन कहता है अरे मैं आप चिंता मत करो, अगर यहाँ पर तुम मेरी एक स्टूडेंट बन जाती हो ना तो उसके साथ में मैं तुम्हें मैनुअल और उसके साथ में कुछ लेक्चर्स भी देने वाला हूँ, जिसके साथ में तुम अभी जिस चीज से यहाँ पर गुजर रही हो ना तुम उसके लिए सफल हो जाओगी। विपिन यहाँ पर अभी ऊपर वाले बादलों को देख रहा था। वह सभी बादल है ना ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर किसी भी पल उनको मौका मिले ना तो वह सीधा उनके ऊपर गरज सकते थे। विपिन के पास में कोई भी चांस नहीं था, तो इसी वजह से विपिन उसकी शक्ल देखता है और उसे कहता है चलो छोड़ विपिन यार, मुझे पता है कि ऐसे नहीं मानेगी, तो एक काम कर सीधा सीधा अपना लेक्चर देना शुरू कर दे। उसके साथ में अब जो विपिन था वह सीधा सीधा अपना लेक्चर देना वहाँ पर शुरू कर देता है और वह कहता है आपके पास में यहाँ पर अभी मास्टर सेक की रक्त रेखा पड़ी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर आप आराम से किसी भी टेक्निक को सीख सकते हैं, किसी भी चीज को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उस टेक्निक के अंदर बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा तुमने पहले से यहाँ पर 3 बार प्राचीन संत की परीक्षा को दे चुकी हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को दबा रखा है ताकि यहाँ पर तुम प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुँचने के बारे में सोच सको। वहाँ पर दूसरी तरफ जो अवनी थी वो अपनी जगह पर ही यहाँ पर बिना किसी हैरानी के चुपचाप खड़ी हुई थी, क्योंकि वास्तव में ये सारी जो छोटी मोटी बातें थी ना ये यहाँ पर ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर उसके लिए कुछ नई बात नहीं हो, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ पर विपिन की रैंक को देखने के बाद में वो उसके बारे में कुछ भी पता लगा सकते थे। और इसी वजह से यहाँ पर वो सोच रही थी कि बोल ले तो आखिरकार यहाँ पर ये क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। तो विपिन कहता है आपने यहाँ पर 3 बार जब भी आपने अपनी परीक्षा दी है तो उसके साथ में आपकी जो साधना है बहुत ज्यादा पावरफुल होती गई है, लेकिन एक पल ऐसा आया जब यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी, आपके अंदर पहले से ही वो प्राचीन संत की जो एनर्जी थी वह घुस चुकी थी, इसी वजह से यहाँ पर आपने अपने आप को उस 3 परीक्षा के बाद में रोका हुआ था। आप अभी भी यहाँ पर कोई कोशिश नहीं कर रही थी जिसके साथ में आप आगे बढ़ सके, अभी यहाँ पर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से तुम यहाँ पर अभी अपने अंदर से उस प्राचीन संत की जो एनर्जी है उसको बाहर निकाल सकती हो जिसके बाद में यहाँ पर तुम आगे कुछ कर पाओ। लेकिन 3 साल हो गए हैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ करे हुए, 3 साल से तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जैसे विपिन ने यहाँ पर ये शब्द कहे आप कौन है, आपको ये कैसे पता, यहाँ पर जो अवनी थी वो पीछे की तरफ खिसकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अपने सामने उसने कोई जीवित भूत देख लिया हो, क्योंकि ये सारी बातें कुछ ऐसी थी जिसके बारे में आज तक उसने किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि ये सभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। आखिरकार अगर वो किसी को इसके बारे में बता भी देती ना तो उसके बाद में उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती थी। जैसा कि विपिन यहाँ पर कह रहा था हाँ उसके साथ में ऐसा ही हुआ था, उसने 3 परीक्षा दी थी वो भी यहाँ पर बिना किसी मुश्किल के। हालांकि यहाँ पर जब उसने 3री परीक्षा दी ना तो उस वक्त उसको यहाँ पर अंदाजा लग गया था कि जो प्राचीन संत की एनर्जी है वो उसके शरीर के अंदर जा चुकी है, और अब अगर वो बिना इस एनर्जी को बाहर निकाले कुछ भी कर देती है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 4थी बार जब वो इसकी परीक्षा दे तो उस वक्त यहाँ पर वह मर भी सकती थी।
और 3 साल से वो इसी चीज को बार बार देखती जा रही थी। लेकिन वहीं अब ये सोच रही थी कि आखिरकार विपिन को ये सब कुछ कैसे पता चला। तो वहीं जैसे विपिन को उसके मन के अंदर चल रही हर एक बातों के बारे में पता चल रहा हो, वह बस एक हल्की सी मुस्कान दे देता है और वह कहता है, अवनी यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी पहले से यहाँ पर इसकी 4 बार परीक्षा दे दी है और 5वीं बार अभी कुछ समय पहले यहाँ पर देकर आया हूँ। इसी वजह से मेरे को भी इसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है तो अवनी पूरी तरह से हैरान परेशान उसको देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अब उसको पता चला कि विपिन की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। क्योंकि अभी यहाँ पर वो ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर था और उसकी पावर यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 से इतनी बढ़ चुकी थी। अब उसको पता चला कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या है। तो वह कहती है, अगर आप यहाँ पर वास्तव में मेरी साधना को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर मैं आपकी एक स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। अवनी वास्तव में इस जगह पर तैयार थी। अगर वो वास्तव में अपने उस परीक्षा को देकर यहाँ पर आगे बढ़ सकती थी, अपनी सारी चीजों को दूर कर सकती थी, तो ये बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता। तो वह विपिन कहता है, आपको एक बात बताऊं, ये जो ये कुंगसु डोमेन है ये मास्टर चेयर कंटिनेंट से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वहाँ पर तो सारी एनर्जी को बनाया जाता है, लेकिन कुंगसु डोमेन की जो एनर्जी है वह यहाँ से नहीं आती, वह बाहर से आती है। इसी वजह से यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल अलग है। कुंगसु डोमेन के अंदर का जो निर्माण है वह मास्टर सेक द्वारा किया गया है। हाँ, हालांकि कुंगसु डोमेन उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर की जो क्यों है, इसके अंदर की जो वातावरण है, उसको यहाँ पर मास्टर सेक द्वारा ही नियमित किया गया था। इसकी वजह से ये जो एनर्जी है पूरी तरह से अलग हो चुकी है। इसी वजह से तुम्हारे अंदर जो सारी प्रॉब्लम है इसकी साथ में ही क्रिएट हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अवनी उससे पूछती है, तो क्या आप मुझको ये बता सकते हैं कि आखिरकार अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए अपने इस चीज को ठीक करने के लिए। तो वही विपिन कहता है, अच्छा ये, अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान है। आपको इसके लिए मास्टर टीचर कंटिनेंट के अंदर एक परीक्षा देनी होगी, उसके साथ में आप प्राचीन संतियों पर पहुंच सकती हैं और आप ये सामने जो ये सारी मुसीबतें हैं उनको पार कर सकती हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर जब आप मास्टर टीचर कंटिनेंट के ऊपर जाएंगी तो वहाँ पर जब आप परीक्षा देंगी तो उसके बाद में शायद आपके ऊपर कोई ज्यादा बड़ी मुसीबत भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी और वहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग है। इसी वजह से यहाँ की जो परीक्षा है वह यहाँ पर मास्टर टीचर कंटिनेंट की जो बिजली की परीक्षा है वह भी बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। इसी वजह से यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि आखिरकार आप कैसे उसके बारे में कुछ कर सकती हैं। हाँ, हालांकि अगर आप एक बार यहाँ पर मेरे स्टूडेंट बन जाती हैं तो उसके बाद में यहाँ पर मैं शायद आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, ताकि मैं उसके साथ में आपको कोई ऐसा तरीका बता सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अवनी की आंखें चमक जाती है और वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और वो कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपको अब से अपनी टीचर मानूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की जो आशा थी वह वास्तव में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया। क्योंकि विपिन जैसे यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो अवनी थी ना, जैसे उसने अपनों को एक टीचर मान लिया था, तो उसके बाद में विपिन अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर देखने चला गया था। वहां जाकर वो देखता है तो वो पाता है कि अंदर कोई भी गोल्डन पेज बनकर नहीं आया था, लेकिन अब उसको समझ गया था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। अवनी इस समय केवल यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड हो रही थी, ना कि उसके ऊपर पूरा विश्वास कर रही थी, केवल वो उसका यूज कर उसको थूक कर फेंक देना चाहती थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन को समझ में आ गया था कि वो गोल्डन पेज नहीं बना था। तो वह कहता है, अरे अरे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें यहाँ पर मास्टर से कंटिनेंट के ऊपर जो यहाँ पर ये अग्नि परीक्षा आती है इसके ऊपर काबू पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर उसके साथ में मिलना होगा, उसके साथ में बातें करनी होगी, उसके साथ में यहाँ पर दोस्ती करनी होगी, उसको अपना एक परिवार का सदस्य बनाना होगा, उसके साथ में यहाँ पर तुम्हें चॉकलेट खिलानी होगी, उसको खान पान देना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा। तो वही जैसे जैसे विपिन ये सब कुछ कह रहा था ना, तो वही दूसरी तरफ अपनी के जो चेहरा था ना उसके ऊपर यहाँ पर मार्क बनने शुरू हो गए थे, वो सारे गुस्से के मार्क थे। उसका अभी ऐसा मन हो रहा था कि यहाँ पर कहीं पे ईंट पड़ी हो ना तो दे ईंट यहाँ पर उसका सर फोड़ दे, क्योंकि वास्तव में अब इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने वाले बंदे ने उसका बहुत ज्यादा गंदे तरह से काट दिया है। मेरे टीचर कैसे हो सकते हैं ये, नहीं ये धोखा है, ये धोखा है। क्योंकि दूसरी तरफ बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यही खत्म होता है, होता है, होता है। चलिए गाइज जल्दी मिलते हैं, और इसके अलावा गाइज जो हमने स्टोरी डाली थी क्या हम उसको कंटिन्यू करें, लेकिन हाँ थोड़ा वेट करें, क्योंकि जब तक आप उसके थोड़े बहुत एपिसोड नहीं सुन लेते ना तो उसके तब तक आपको कोई मजा नहीं आने वाला है। तो उसके एपिसोड भी हम लाने वाले हैं
और इसके अलावा आप लोग रिबॉर्न 80,000 एरियल्स भी देखते हो ना, तो उसके भी कई गाइज अब जो एपिसोड है ना वो बड़े बड़े बना रहे हैं, तो उसके अंदर टाइम लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग 10 मिनट की बनाते थे ना, तो उसको 50 मिनट के कर रहे हैं, तो इसी वजह से 50 मिनट एक घंटा डेढ़ घंटे का उसको बनाया करेंगे ताकि सुनने में मजा आए और यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ जाए इसी वजह से। चलिए गाइज जल्दी मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उसको कर लो, क्योंकि फ्राइडे को वो वीडियो आने वाली है, क्योंकि आज तो वेडनेसडे हो चुका है, थर्सडे और फ्राइडे बस परसों, क्योंकि एक वीडियो अभी बची है थोड़ी बहुत उसकी, उसको भी अपन कवर करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं। चलिए सायोनारा, और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबा के जाना।